नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में पुनः स्वागत है। साथियों, आज यह वीडियो हम आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड पर लेकर आए हैं। यह वीडियो रचनात्मक आकलन ट्रैकर से संबंधित है। इस वीडियो के लिए बहुत से कमेंट आए थे मुझे कि रचनात्मक आकलन ट्रैकर किस प्रकार से हमें तैयार करना है, ये किस प्रकार से मेंटेन करना है। तो इसी डिमांड पर हम ये वीडियो आप सभी के सामने आज लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें यह किस प्रकार भरना है। तो इस प्रकार से आप एक रजिस्टर में FIN मिशन अंकुर लिख लीजिए। उसके बाद रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर इस प्रकार से हमें बनाना है। इसमें हम सप्ताह 5 से प्रारंभ करेंगे, जैसे कि रचनात्मक आकलन, तो सप्ताह 5 से हमारा प्रारंभ होगा। और इनमें हम किन किन उद्देश्यों को लेंगे, हर सप्ताह में अलग अलग हमारे उद्देश्य रहेंगे, अलग अलग लक्ष्य रहेंगे, जिनके आधार पर हमें बच्चों का आकलन करना है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार भरेंगे। तो इस प्रकार से यह कक्षा 1 और 2 के लिए होगा। जैसे कि यह सप्ताह 5 से प्रारंभ है, सप्ताह 5 में हमें प्रथम रचनात्मक आकलन करना है। तो यहाँ पर अपना नाम, शिक्षक का नाम लिख लेंगे, पद, शाला का नाम, इस प्रकार से। अब आइए देखते हैं कि ट्रैकर को किस प्रकार से भरना है। जैसे कि रचनात्मक आकलन हम आप सभी के सामने आज लेकर आए हैं, तो यह गणित विषय के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि सप्ताह 5 यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से, रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर। हमारे मुख्य बिंदु होंगे इसमें, इस प्रकार से हम कॉलम बना लेंगे। क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, छात्र और छात्रा का नाम, कक्षा, उद्देश्य, जैसे कि उद्देश्य में हमारे जो हमने प्रथम 5 सप्ताह तक पढ़ाया है तो उन्हीं उद्देश्यों को लेंगे। और इसमें 0 से 9 तक की संख्या इस प्रकार से लिख देंगे। अब उद्देश्य में हमारे उद्देश्य के अंतर्गत हमारे रहेंगे संख्या बोध, संख्या पहचान, संख्या लेखन और संख्या मान, इस प्रकार से हमारे ये निम्न लक्ष्य रहेंगे। इसी लक्ष्यों के आधार पर हमें इनका आकलन करना है। अब आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर छात्र एवं छात्रा का नाम लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर छात्र और छात्रा का नाम लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर इस छात्रा ने 1 लक्ष्य को प्राप्त किया है, संख्या बोध को इसको प्राप्त नहीं किया है, तो यहाँ पर कट लगा लेंगे। और जिन जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है उस पर राइट टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे, और जिसमें नहीं किया गया है उसमें कट लगा देंगे इस प्रकार से। जैसे कि दूसरा जो छात्र है कल्पना, इसने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, तो इस पर सभी में राइट का टिक लगाएंगे। इसके बाद जब हमारा यह ट्रैकर भर के हो जाता है, इसका आकलन हम कर लेते हैं, उसके बाद हमें यह ट्रैकर भरने के बाद समूह में भी इन्हें विभाजन करना है। तो आइए देखते हैं कि समूह का विभाजन कैसे करेंगे। इसके पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था कि अगर जो छात्र सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है उसे एक ग्रुप में रखना है, एक समूह में रखना है, और जो कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया है और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर प्रथम नंबर के छात्र हैं, देखिए यहाँ पर संख्या बोध और संख्या मान इन 2 लक्ष्यों को प्राप्त किया है, पर संख्या पहचान और संख्या लेखन को इस लक्ष्यों को उनने प्राप्त नहीं किया है, तो उसे एक दूसरे समूह में हम रखेंगे। और जिन छात्रों ने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं करा है उसे भी हम दूसरे ही ग्रुप में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा समूह एक बनेगा, जिसमें छात्र ने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और जिसने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया है उसे हम दूसरे समूह में रखेंगे और उसका हम पुनः आकलन करेंगे। इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जैसे समूह एक में ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जिसे यहाँ ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, तो उसे हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है कि इनने समूह एक ने पूरे उद्देश्यों को लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। और जो समूह 2 में हमने रखा है वह इन बच्चों ने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया है और कुछ उद्देश्यों को, कुछ लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, तो इस प्रकार से उन्हें ये जो येल्लो और रेड मार्क दिख रहा है इसमें हमने रखा है। इस प्रकार से समूह 1 और समूह 2 हम बना लेंगे। अब आइए देखते हैं कि सप्ताह 5 का हम मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे, हम किस प्रकार से एक मूल्यांकन प्रपत्र हम बनाएंगे बच्चों के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम इस प्रकार देख रहे हैं, मूल्यांकन प्रपत्र बनाया हमने। इसमें हम सप्ताह 5 के में हम जिन जो जो पढ़ाया है हमने अपनी अभ्यास पुस्तिका से और शिक्षक संदेश के आधार पर, उसी आधार पर हम उन्हीं उद्देश्यों को लेंगे। तो इस प्रकार से यह सही जोड़ी बनाइए, इसमें जो संख्या है उसी से मिलान करना है,
इस प्रकार से बच्चों से सही जोड़ी हम करवाएंगे, या हम बोर्ड में भी कर सकते हैं या उनकी प्लेट स्लिट पट्टी में भी करा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, यह कौन सी संख्या है बताइए। तो यहाँ पर संख्या बताना है, संख्या पहचान करना है बच्चों के द्वारा, तो एक एक बच्चे से संख्या पहचान हम कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं को बोर्ड में लिखिए। तो ये जो संख्याएँ दी हुई है इसे हम बोलते जाएंगे, या फिर बच्चा इन्हें देख कर भी कि क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है, इसे बोर्ड में लिखेगा। इसके बाद मिलान करना है। तो यहाँ पर इन जो वस्तुएं दी हुई है इन चित्रों के आधार पर उन्हें गिनेगा और उसे यहाँ पर जो अंक लिखे हुए हैं, संख्या लिखी हुई है, उससे यह मिलान करेगा। तो इस प्रकार से यह हमारा पाँचवें सप्ते का मूल्यांकन प्रपत्र होगा, जिसके आधार पर हमें बच्चों से लेना है। यह मूल्यांकन प्रपत्र आप अपनी शिक्षा अनुसार बना सकते हैं, आपको जिस प्रकार से पेपर बनाना है उस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक मूल्यांकन प्रपत्र बनाकर रख लेंगे, जिसके आधार पर हमें बच्चों से मूल्यांकन करवाना है। तो इस प्रकार से हम अपना पाँचवें सप्ताह का मूल्यांकन प्रपत्र बनाकर रचनात्मक आकलन ट्रैकर को भर लेंगे और बच्चों को समूह में भी डिवाइड कर लेंगे। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लाते रहते हैं। आगे भी हम और भी सप्ताह 6 और सप्ताह 7 आदि और भी रचनात्मक आकलन ट्रैकर किस प्रकार से बनाना है और किन किन उद्देश्यों को लेना है, यह वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।